Hello everyone, today we are going to discuss the obstructive and restrictive lung diseases. So what do we mean by obstructive disease? So obstructive lung diseases, This means that there is obstruction ho gaya, matlab ki there is increase in resistance to airflow. Theek hai, airflow mein resistance aa gaya. Kyun? due to diffuse airway diseases. Theek hai, matlab ki, aur ye kya hota hai ki this can affect at any level of रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ओके, और अगर हम लोग यही बात अगर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में क्या होगा कि रेजिस्टेंस हो गया एयर फ्लो में, ठीक है ना. अब अगर यही हम लोग बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस. इसमें क्या होता है, इसमें देयर इज रिड्यूस्ड एक्सपेंशन of lung parenchyma और decrease total lung capacity. ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, obstruction हो गया, इसमें lung की parenchyma कम हो गया तो lung की total capacity कम हो जाती है. ठीक है ना. अब ये दोनों में हम लोग differentiation हम लोग कैसे करते हैं, on the basis of pulmonary function test. ठीक है, अगर किसी पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, इफ द पेशेंट इज ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स अगर होते हैं जिन पेशेंट में, तो उसमें क्या होता है कि जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, क्योंकि देर इज डिक्रीज मैक्सिमल एयर फ्लो रेट ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपिरेशन की टाइम में देर इज मैक्सिमल एयर फ्लो रेट कम जाता है. ओके, और मतलब कि जो फोर्स्ड एक्सपिरेशन एट द फर्स्ट सेकेंड जो हम पढ़ते थे फिजियोलॉजी में, वो कम जाता है, FEV1 कम जाता है ओवर एफ फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी के ऊपर. तो फिर इसलिए इसका अगर रेशियो FEV1 upon FBC अगर लेस देन 0.7 आता है, मींस दिस इंडिकेट अबाउट द ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर. क्योंकि इसमें अगर हम लोग फोर्स्ड एक्सपायरेशन करते हैं तो एक्सपिरेटरी रेट कम जाता है, एक्सपिरेशन मतलब एयर फ्लो कम होता है. ठीक है, अगर यही हम लोग बात करते हैं और एक्सपिरेटरी का जो एयर फ्लो का जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना, वो बहुत कारणों से होता है. ठीक है, दैट लेट मी शो यू. सो दिस आर द डिसऑर्डर्स, दिस इज एसोसिएटेड विद द एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है ना, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी COPD से ये सब कारण मतलब इन्वॉल्व है. जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस टर्म यूज करते हैं, आफ्टर दैट ब्रोंकाइटिस जो भी हम लोग पढ़ेंगे अभी कंस्ट्रक्टिव लंग डिजीज, हम लोग क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के हेडिंग के अंदर सारे कुछ पढ़ेंगे, अस्थमा, इम्फाइसीमा, ब्रोंकियोप्टासिस. तो आप इसमें ये देखो कि इसकी इटियोलॉजी क्या क्या है, क्यों ऐसा होता है. टोबैको स्मोक से, एयर पोल्यूशन से, ठीक है, सीवियर इन्फेक्शन से, टोबैको स्मोक, कुछ इम्यूनोलॉजिकल कंडीशंस भी होते हैं. ठीक है, अनडिफाइंड कॉसेस, एयर पोल्यूटेंट, अभी इतना ही देखें, है ना. तो ये सब एक कारण हमारा जो मतलब हम लोग फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते उसमें प्रॉब्लम होता है. सो दिस लीड टू ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स. ठीक है, अब हम रेस्ट्रिक्टिव की बात करेंगे. तो ये तो हम लोग कंडीशंस देख लिए, पैथोलॉजिकल कंडीशंस देख लिए. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स इसमें क्या क्या दिक्कत है. रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, देयर इज उसमें दोनों की डिक्रीमेंट होती है, डिक्रीज इन फोर्स एक्सपायरेशन वॉल्यूम FEV और FBC, और दोनों की जो कमी होती है वो दोनों लेवल में होता है. तो FEV1 और FBC इसका जो रेशियो होता है ना, ये नॉर्मल होता है, रिमेन नॉर्मल. ठीक है, इससे हम लोग पता कर सकते हैं.
ओके हमने ऑब्स्ट्रक्शन कुछ कुछ देखा था, और जो फिर तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी कुछ कुछ कारण में होते हैं, ऐसे चेस्ट वॉल डिसऑर्डर, ठीक है, कोई बहुत ओबेसिटी पीपल है, या फिर किसी को प्लूरल डिजीज़ है, ठीक है ना, न्यूरोमस्कुलर डिजीज़, पोलियोमाइलाइटिस है, ठीक है, न्यूमोकोनोसिस, इसमें हम न्यूमो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में न्यूमोकोनोसिस, फाइब्रोसिस है, ठीक है, ये सब जगह पर हम लोग देखते हैं, दैट वी विल लुक इन द फर्दर वीडियो, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर्स. Obstructive lung diseases. Now this obstructive lung disease में जो common diseases हैं, okay, जो common disease है, common disease, this include the chronic obstructive pulmonary disease means COPD, chronic obstructive pulmonary disease. This means COPD. After that, asthma. After that, bronchiectasis. ठीक है, अस्थमा हो गया, ब्रोंकोटेसिस हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गया. ठीक है, अब अगर हम लोग COPD की बात करते हैं, COPD की, तो इसमें जो मैनिफेस्टेशन होता है, इसके इसमें क्या क्या होता है COPD में, एम्फाइजिमा होता है और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है. अगर वो COPD की बात करते हैं तो इम्फाइजिमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस दोनों साथ ही दिखते हैं किसी पेशेंट में. ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है, जो जो काउज होता है, जिसके कारण से इम्फाइजिमा होता है, जिसके कारण से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है, दोज आर सेम, इसलिए ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में साथ साथ दिखते हैं. ठीक है, इसका काउज क्या है? द काउज इज सेम एंड दैट इज ऑफकोर्स वन, सिगरेट स्मोकिंग. ठीक है, ये हो गया. इसीलिए COPD में एम्फाइसिमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस दोनों को इंक्लूड करते हैं. आफ्टर दैट, इसके बाद क्या होगा कि उसके बाद हमने और भी डिजीज पढ़े, COPD हो गया ना, अस्थमा. अगर हम लोग अस्थमा की बात करते हैं तो अस्थमा में क्या होता है, इसको हम लोग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसिमा से इस तरह से अलग करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म. रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म प्रेजेंट होता है. ठीक है, रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म होता है. कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका टिपिकल अस्थमा होता है, उनमें इरिवर्सिबल कंपोनेंट होते हैं, बट देयर इज आल्सो रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म. ठीक है, ये हो गया. फिर उसके बाद COPD के भी जो पेशेंट्स होते हैं, किसी किसी में रिवर्सिबल होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं, मतलब COPD अस्थमा COPD. ठीक है ना, क्योंकि उसमें रिवर्सिबल कंपोनेंट भी आ रहा है. सो दिस वाज थी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज. COPD क्रॉनिक है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, पल्मोनरी एंड डिजीज. नाउ दिस इज द लाइन विच इज टेकन फ्रॉम रॉबिन्स, एंड हमें जब डेफिनेशन पूछते हैं तो हमें यही स्टेटमेंट बोलना होता है कि COPD इज ए मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम एंड इट इज डिफाइंड बाई द WHO. सो वी हैव टू से कि एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि डिफाइन, जिसको WHO ने ऐसे डिफाइन किया है, एक कॉमन प्रिवेंटेबल. ठीक है ना, इट इज ए प्रिवेंटेबल एंड इट इज ए ट्रीटेबल डिजीज. इट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज प्रिवेंटेबल एंड इट इज ए ट्रीटेबल डिजीज दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. दैट इज, इसमें क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन क्या है, परसिस्टेंट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स एंड एयर फ्लो लिमिटेशन. और एयर फ्लो में लिमिटेशन होता है, एक तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, परसिस्टेंट रेस्पिरेटरी सिम्टम हो गया और एयर फ्लो में लिमिटेशन हो गया, एंड दैट इज ड्यू टू एयर वे और एल्वियोलर एबनॉर्मलिटीज. ये या तो एयर वे में डिस्ट्रक्शन हो गया या तो एल्वियोलर में एबनॉर्मलिटीज हो गया, कॉज्ड बाय एक्सपोजर ऑफ नॉक्सियस पार्टिकल और गैसेज. और ये क्यों होता है, ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ नॉक्सियस पार्टिकल और गैसेज. आफ्टर दिस, अब ये होता है कि COPD का रीजन क्या होता है मोस्टली, तो रीजन, द मोस्ट बिगेस्ट रीजन इज स्मोकिंग. ठीक है, और ठीक है, स्मोकिंग तो एक रीजन हो सबसे बड़ा रीजन होता ही है, और अदर रीजन जो कि हो सकता है, अदर रीजन्स दैट मे अकर दैट आर द, ओके, दैट इज द पुअर लंग डेवलपमेंट इन अर्ली लाइफ. After that, exposure to environmental and occupational pollutant. After that, genetic polymorphism.
दिस आर सम ऑफ द रीजन जिससे कि क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं. एंड ये तो हम देख ही लेंगे, इम्फाइसिमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोथ आर कॉल्ड फॉर योर स्मोकिंग, तो हम COPD इसमें हम लोग पहचान जाएंगे. ठीक है, और हम लोग अब डिस्कस करेंगे ना, वी विल डिस्कस इम्फाइसिमा, बिकॉज इम्फाइसिमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस दोनों को मिलाकर के ये COPD होता है. सो लेट्स डिस्कस इम्फाइसिमा. इम्फाइसिमा, तो जो इम्फाइसिमा होता है दैट इज डिफाइंड एज इरिवर्सिबल इनलार्जमेंट ऑफ एयर स्पेस. मतलब इरिवर्सिबली इनलार्ज हो गया एयर स्पेस. लेकिन दिस इज इम्पॉर्टेंट, वॉट डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स. डिस्टल टर्मिनल ब्रोंकियोल है उसके डिस्टली, एंड दिस इज एकोपेनाइड बाई डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर वॉल्स. उसकी वॉल्स में डिस्ट्रक्शन हो जाता है. ठीक है, आफ्टर दैट इन इम्फाइसिमा क्या होता है, जो स्मॉल एयर वे होते हैं ना, स्मॉल एयर वे, उसमें क्या हो जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाता है. ठीक है, एंड दिस इज द फीचर दैट डिस्टिंग्यूज फ्रॉम द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड इट इज प्रेजेंट. ठीक है, और ये जो स्मॉल एयर वे में फाइब्रोसिस होता है, दिस लीड टू ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन. उसके बाद अगर हम लोग मतलब इम्फाइसिमा क्या हम देखते हैं, तो इम्फाइसिमा को हम लोग क्लासीफाई करते हैं, ठीक है ना, लॉब्यूल्स पे. जैसे ये टर्मिनल ब्रोंकियल्स है, उसके बाद ये लॉब्यूल्स और लॉब्यूल्स में, ठीक है, लॉब्यूल्स और लॉब्यूल्स में बहुत सारे एसिनाई, ठीक है ना. तो हम लोग इम्फाइसिमा दिस इज क्लासीफाइड According to anatomical distribution, कहाँ पे anatomical distribution, within the lobule. अगर हम lobule की बात करते हैं, lobules में basically क्या होता है, they have the cluster of acini. ठीक है ना, क्लस्टर ऑफ एसिनाई, जैसे टर्मिनल रेस्पिरेटरी यूनिट्स होते हैं उसमें, ठीक है ना. और ये रेस्पिरेटरी यूनिट्स में सेगमेंट्स में बटा हुआ रहता है, दैट इज डिवाइडेड इनटू द फोर पार्ट, फोर टाइप्स का. जैसे वन इज द सेंट्री एसिनार, सेकेंड इज द पैना एसिनार, थर्ड इज द पैरासेप्टल, एंड फोर्थ इज द इरेगुलर. और इसमें जो फर्स्ट टू है ना, ये क्लिनिकली वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड दिस डायग्राम मैंने डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स समझाने के लिए कि लॉब्यूल्स, ठीक है ना, लॉब्यूल्स के अंदर बहुत सारे एसिनाइज होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेंट्री एसिनार, पैना एसिनार, पैरासेप्टल, इरेगुलर. ओके, सो आफ्टर दैट नाउ वी आर गोइंग टू लुक द क्लासिफिकेशन, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन. सो Let's look, and this is a diagram of sentry acinar, emphysema, panacinar. हमने जो बोला था respiratory bronchioles, मतलब कि basically जैसे हमने बोला ना कि ये distal to terminal bronchiole है, तो उसके बाद terminal respiratory units ही आते हैं ना, तो वहीं पे respiratory bronchioles के बाद alveolar ducts और alveolar, और यहाँ पे sentry acinar emphysema, pana acinar emphysema. ये pictures है, अभी भी आप going to discuss first of all that is the सेंट्री एसिनार, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्री लोब्यूलार एम्फाइसिमा. ठीक है, तो ये जो एम्फाइसिमा होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म. ठीक है ना, जो भी 95% ऑफ केसेस सेंट्री एसिनार, सेंट्री लोबार एम्फाइसिमा का ही आता है. ठीक है ना, और ये किसमें होता है, दिस अकर इन द हेवी स्मोकर्स विद COPD. ठीक है, और इस एम्फाइसिमा में क्या होता है कि जो सेंट्रल एंड द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एसिनाई, सेंट्रल एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एसिनाई, ठीक है, सेंट्रल और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एसिनाई, जो कि दैट इज फॉर्म्ड बाई रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से जो बना हुआ रहता है, दैट गेट अफेक्टेड.
इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टल एल्वियोलाई है, डिस्टल एल्वियोलाई दे आर स्पेयर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कि यहाँ पर वो देख भी सकते हैं कि ये पोर्शन ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स का अफेक्टेड है, और वही इसके बाद मतलब डिस्टल एल्वियोलाई जो है वो क्या स्पेयर्ड है। इसका मतलब दिस विल लीड टू व्हाट कि यहाँ पे क्या होगा कि बोथ इम्फाइसिमेटस प्लस नॉर्मल एयर स्पेसेस विल एग्जिस्ट विद इन सेम एसिनस, एक ही एसिनस, एक ही लॉब्यूल्स में दोनों चीज हमें मिलेगा। सो दिस इज द बिग थिंग, ठीक है ना। उसके बाद अभी जो लीजन्स हमारे लंग्स में बहुत 10-10 सेगमेंट्स होते हैं, हम पढ़े हैं एनाटॉमी में, तो जो लीजन होता है दे आर मोर कॉमन, ठीक है ना, एंड प्रोनाउंस्ड इन द अपर लोब, अपर लोब में ज़्यादा होता है, एंड दैट पर्टिकुलरली किस में, इन द एपिकल सेगमेंट, इन एपिकल सेगमेंट्स में ये हो गया। अभी हमने देखा ना, अब एक चीज में इंपॉर्टेंट होता है कि अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे सेंट्रिया सिनार, सिंपल सेंट्रिया सिनार एम्पायस्मा की बात कर रहे थे। अगर हम लोग बोले कि अगर सम पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर सेंट्रिया सिनार एम्फाइसिमा, तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने बोला था ना कि डिस्टल एल्वियोली स्प्रेड होता है, तो नहीं, इसमें जो अगर सीवियर फॉर्म आ जाता है तो डिस्टल एसिनस भी ऑल्सो अफेक्टेड इन्वॉल्व, और अगर डिजिटल एसिनस भी अगर इन्वॉल्व हुआ था तो फिर हम पढ़ेंगे अभी पैन एसिनार, जिसमें टोटल पूरा का पूरा एसिनस ही कवर होता है, तो उससे डिस्टिंग्यूज करना फिर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। सो दिस वाज अबाउट सेंट्री एसिनार, सेंट्री लोबाल एम्फाइसिमा। आफ्टर दैट सेकेंड इज पैन एसिनार, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं पैन लोबुलर एम्फाइसिमा, ठीक है। और ये जो पैन लॉबुलर एम्फाइसिमा होता है ये बेसिकली एसोसिएटेड रहता है अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी के कारण, ठीक है। और किसी पर्सन में एक तो अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है, इसलिए और ऊपर से उसने स्मोकिंग भी कर दिया, मतलब और स्मोकिंग जो होता है वो उसके चांसेस बढ़ा देता है। इसलिए हमने देखा था कि 95% केसेस में ये था, और 5% में मोस्टली पैनासिनार था, बिकॉज इट ऑल्सो रिक्वायर अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन डेफिशियंसी, और ऑफकोर्स कोई भी जेनेटिक थिंग्स होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, कम ही लोगों में होता है ना, सो 5% इफेक्टेड बाई स्मोकिंग, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि जो ऐसी नाई है पूरी की मतलब पूरा ही खराब हुआ था, पूरा यूनिफॉर्मली इलार्ज हो जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में पूरा खराब हो गया, ठीक है ना, टिल ब्लाइंड मतलब कि टिल द टर्मिनल एल्वियोली, ठीक है ना। सो हियर वी विल राइट इन द पैन एसिनार एम्फाइसिमा में क्या होता है कि जो ऐसी नाई होता है, ऐसी नाई और uniformly enlarged from the level of respiratory bronchiole and to terminal blind alveoli, ठीक है ना। और ये तो हमने देख लिया कि पूरा का पूरा पैन एसिनार एम्फाइसिमा में मोस्टली पूरा का पूरा कवर करेगा, और इन कॉन्ट्रास्ट टू सेंट्री एसिनार एम्फाइसिमा, इसमें क्या होता है जो पैन एसिनार जो होता है, ठीक है ना, वो मोस्टली कहाँ पे होता है, लोअर जोन्स में और इन द एंटीरियर मार्जिन इन लंग ऑफ लंग्स, ठीक है ना। और ये बेस पे मतलब कि मोस्ट सीवियर होता है, मोस्ट सीवियर एट बेस, लोअर जोन एंड एंटीरियर मार्जिन ऑफ लंग्स, ठीक है। दिस वाज द अबाउट द पैन एसिनार एम्फाइसिमा। हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डिस्टल एसिनार, दैट इज पैरासेप्टल, जो हमने थर्ड और फोर्थ पढ़ा था, ठीक है ना। क्लिनिकली वो दोनों इंपॉर्टेंट है, बट शुड लुक एवरी केस, पॉसिबल केस, दैट इज द पैरासेप्टल, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं डिस्टल एसिनार एम्फाइसिमा। अगर हम लोग डिस्टल एसिनार एम्फाइसिमा की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो प्रॉक्सिमल पार्ट
प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ जो एसिनस होता है वो नॉर्मल होता है, दैट इज नॉर्मल, वो नॉर्मल होता है। और क्या होता है कि जो डिस्टल पार्ट है, डिस्टल पार्ट दैट इज इन्वॉल्व्ड। ओके, दिस वाज द थिंग फर्स्ट। नाउ वी विल लुक द पैथोजेनेसिस। ओके, तो अगर इम्फाइसिमा की हम लोग बात करते हैं तो वो मोस्टली स्मोकर्स स्मोकर्स को होता है, और एक और होता है कि पेशेंट जो कि अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंट है उनको भी होता है, ठीक है ना। तो हम इन्हीं इन्हीं दोनों फैक्टर को मेजर मान करके वी विल डिस्कस फर्दर मोर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट कि एम्फाइसिमा कन्फाइंड होता है स्मोकर्स में और पेशेंट जिनमें अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। अब इसी को हम लोग देख के लेकर के हम लोग जो एम्फाइसिमा का जो डेवलपमेंट होता है उसमें फॉलोइंग स्टेप इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड्स, सबसे फर्स्ट इज द टॉक्सिक इंजरी एंड इन्फ्लामेशन। तो इसमें जब हम लोग देखते हैं टॉक्सिक इंजरी और इन्फ्लामेशन में, तो इसमें देखते हैं कि जो हम लोग सिगरेट स्मोक इनहेल करते हैं, तो इनहेल्ड सिगरेट स्मोक और जो अदर नॉक्सियस पार्टिकल्स हैं, नॉक्सियस पार्टिकल, ये क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, दिस डैमेज द रेस्पिरेटरी एपिथीलियम, रेस्पिरेटरी एपिथीलियम को डैमेज कर देंगे and this will cause inflammation। और अगर inflammation होगा उसके बाद बहुत सारे parenchyma का destruction भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो inflammation हुआ मतलब इसका मतलब inflammatory mediators आता होगा, तो inflammatory mediator जो कि responsible है inflammation के लिए, यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, तो जो पहले हम पढ़ते थे inflammation में LTB4, ओके LTB4 हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरल्यूकिन 8, देन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स, ठीक है ना। ये सब जो इंटरल्यूकिन इंटरमीडिएट्स होते हैं वो इंक्रीज रहते हैं। उसके बाद ये जो मीडिएटर्स होते हैं, मीडिएटर क्या करते हैं, ये जो मीडिएटर्स होते हैं ये रिलीज होते हैं, रिलीज्ड बाय, ठीक है ना, रेसिडेंट, जो वहाँ पे वहाँ के जो रेसिडेंट एपिथीलियल सेल है और मैक्रोफेजेस। और उसके बाद ये क्या करता है, इन्फ्लामेटरी सेल्स को फ्रॉम सर्कुलेशन, ठीक है ना। इन्फ्लामेटरी सेल को क्या करेगा, मतलब कि सर्कुलेशन से लेके आएगा, मतलब कि बाय कीमोटैक्टिक फैक्टर्स, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करता है, ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को एग्रीवेट कर देता है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।